हाय एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचटी रेक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं जी, एक वीडियो है जिसका टाइटल कुछ ऐसे कि फर्स्ट टाइम सरोजनी में शॉपिंग। तो सरोजनी जो है बड़ा फेमस है, अगर मीम्स देखते हैं आप तो बहुत ज़्यादा फेमस है, लगता है सस्ते मिलते हैं कपड़े इसलिए फेमस है। तो ये तो हमें भी लोग देख के अंदाज़ा हो ही जाएगा, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड। कितनी वाहियात बना रही है यार, तो ससुराल जाके क्या करेगी है? ये नाम बदनाम करेगी मेरा पति। आटा ढीला हो गया, आटा पतला हो गया, नाना ने आंगन टेढ़ा। तो हम यार आज कितनी गंदी बनाई है यार तूने। यार चलिए ये वाली अच्छी बनाते हैं यार। तो थोड़ी देर फ्रिज में ढीला है, मैं अपने लिए खुद बना लूंगी यार। नहीं नहीं, तू नहीं बना सकती इतना ढीला, हैंडल नहीं कर सकती इतना ढीला। भाई देखने, ये क्या आटा गूंदा, ये क्या है, व्हाट इज दिस? तो पागल तो नहीं होगी? मस्त आटा, इतना मस्त आटा, डंगर। ये देखना क्या बनाया है, क्या इसमें क्या खराबी है इसमें? इस बेलन देखा, ये कौन सा इंग्लिश बेलन है तेरा? बेलन होता है मोटा। ये मूली की परांठी का मसाला मैंने तैयार किया, राजू बना रही है परांठा और मैं सेकूंगी। इतना ज्यादा मत डाल मसाला यार, मूली के परांठे मुझे कभी पसंद नहीं है। शानदार बनाती हूँ ना उसको, ना तू यहाँ से बाहर फेंकेगी ना, तू भी नहीं चबाओगे कैसे? खाई भी जाती हूँ। अच्छा यार, नीचे खुशका तो डाला, नीचे पक रहा है। तू खाएगी। अब तो मेरी ब्रांडी है। You can't be a perfect granny, Raji. No. How to be a granny part 2. उधर भी देखना होता है उसको। उसको अब तू खाएगी तो तू ही देखेगी। यार जी क्या आटा भुना तूने यार? यार ढीला हो गया यार। इतना नमक ग्लास है यहाँ पे। अच्छा खुशका डालना पड़ता है। मैं भी डायरेक्ट डालती हूँ। डायरेक्ट क्या, आप तो कोई मैं पाइप लगा के दूँ मैं? Look at this now, huh? मेरे वाले में इस वाले में क्या फर्क है? मेरे वाले में बस एक सुराग ही था। अब तू देखना मेरा फटता है कि नहीं फटता। तूने अब आटा सख्त कर लिया, खुश क्या लगा बड़ा अच्छा बनाते। तेरे को इस बेलन की आदत होगी ना, मैंने इतना पतला बेलन कभी चलाया ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा होता है। पहला एक तो तूने चपाती बनाने दी मेरे को, पांच छह बनाने देती थी मेरे को, थोड़ा हाथ बैठ। पांच छह चपाती बनाती है, फिर मैं कुत्तों को खिलाती है। उसको देख यार, गया। ओह माय गॉड, राजी पता है क्या बात? पता फट गया, तेरा कैसे फट गया? किल्ली उड़ाई जाएगी कि तेरा कैसे बढ़ गया? मेरे आटे में नुक्स है, तूने तो ठीक किया था मेरा आटा। आई स्वेयर, तूने तो ठीक किया था। तू देख, नहीं मैंने क्या बोला, ये आटा नहीं ठीक है, बहुत अच्छा आटा है, पूरी दुनिया को पता चल सकता है बहुत अच्छा आटा है। वो तो मैंने थोड़ा ठीक किया ना, तूने तो ठीक किया। ये क्या है, ये देख कितना ढीला है, उसको मत छेड़ के मुंह का चपाती डाल देगी। ओह माय गॉड, लेफ्ट प्रोफेशनल, ओके प्रोफेशनल, इंडक्शन पे बना रही है। आई नो, आई एम अ कंपनी, रिश्ते भेजूंगी, हम रिजेक्ट करेंगे। ये देखो मैंने आधी एक फुलके की आधी परांठी बनाई है, ऐसे आप बना के खा सकते हो अगर आप ज्यादा फुलके दिखाते। वेलकम टू अनु पापा किचन। ये बस जला हुआ परांठी है और ये ज्यादा चल तो ब्रेकफास्ट के बाद ये मेरा डेजर्ट है, गुड़ और दही। तू ग्रैनी बनेगी? नहीं बन सकती तू, ये सभी हल्दी गिरा दी, घर से बाहर निकाल दे जूते मार मार के। क्या किया ये, क्या किया ये, क्या किया, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? इसमें कौन हल्दी डालता है डब्बे? इसमें ही डालते हैं। मम्मा ने लिखा, मम्मा का हैंडराइटिंग। हाँ तो राजू द मेकअप आर्टिस्ट मेरा मेकअप कर रही है और एक आंख में लाइनर लग चुका है और दूसरी आंख में लाइनर नहीं लगाया जा रहा। लगाया नहीं जा रहा तो आप बंद कर ले। मतलब और मेरे को टेंशन हो रही है, मेरे को आंख बंद नहीं की जा रही यार, मेरे को ऐसे 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 हो रही है। लगा ये क्या कर रही है? अच्छा सामने देख, इधर देख, इधर नीचे देख, आंख के बीच में देखती रहे। अरे देखती रहेगी तो चपकाएगी कैसे? लेकिन आराम से आंख मत कुछ कर, आंख को कुछ मत कर। एक सेकंड यार, आंखों में पानी आ रहा है बहुत ज्यादा जो है ना, ये ड्रामेबाज बंदी है। उसे मैंने कितनी मुश्किल से लगाया देखा यार, यहाँ पे फोन रख देती हूँ, चल आ जा। अच्छा अब मैं भी अपना कौन कंफर्टेबल करूँ, उठ खड़ी हो, व्लॉगिंग के लिए करना पड़ता यार। तो हम लाइनर लगा के आते हैं, ठीक है, साल हो चुका है लाइनर लगाते हुए। IBS भी मेरा ठीक हो गया, बस करना भाई। क्या लाइनर पे बैठ के तुझे सरोजनी मार्केट जाना है? मेट्रो रूट बना रही हूँ पूरा। तुझे
के बाद मेट्रो की रूट बन रही है, पता है मेरे को सरोजनी का रास्ता। लाइनर देने ये बहुत बेकार, नाचना जाने आंगन टीटा का तो बावरी पागल मेरा। आगे से देखिए ध्यान से, चलो। मैंने इसको बोला कि मेरे को बोला लाइनर लगा, ओह मिकी यू आर सो फाइन। मैंने इसको बोला कि मेरे को बोला लाइनर लगा, जो लड़कियां ना ट्रांजिशन करती है, ओह माय हस्बैंड इज योर हस्बैंड इज गे, ओह मिकी यू सो यूजफुल, बोले गाने वाला लाइनर लगा तो उसने बोला लगा दिया। अब मैं उस गाने पे ट्रांजिशन करती हूं, ओके, मतलब ढूंढती हूं मिलता है कि नहीं। हाँ ये मैंने देखी थी, मुंदरी पहनी है और मैं कैसी लग रही हूँ, माय गॉड, सुंदरी मुंदरी मुंदरी पहन के मैं सुंदरी मुंदरी लग रही हूँ। हाय गाइस, तो आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने सरोजनी मार्केट में, और ये मेरी बहन है छोटी, आपको पता ही होगा, इसका नाम है अपर्णा, प्लीज इसे प्यार दीजिए बहुत बहुत सारा। तो आज हम बोला चैलेंज वीडियो करेंगे, जो होती है ना कि मतलब 300-400 रुपए में पूरी आउटफिट होगी, इन्फ्लुएंसर लड़कियां करती हैं जिनके पास दिमाग है। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे पास दिमाग तो है नहीं, तो इसलिए मैं अपनी बहन को लेकर जा रही हूँ। तो अभी हम वीडियो कर सकते हैं बोली चैलेंज वाली, क्योंकि ये आउटफिट ढूंढ के देगी और हाँ वीडियो बन जाएगी। मतलब कितने में, 200, 300, 400, 500 कितने में आउटफिट हो जाएगी पूरी, हम देखेंगे। पहले हम सामान ले लेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे कि कितने का सामान आया, फिर हम टाइटल थंबनेल में वही डाल दूंगी कि 400 रुपए की आउटफिट या 200 रुपए की या 300 रुपए की या जो भी। क्योंकि सबको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको मेरा कार्ड मिलता है तो आपको पैसे कैसे निकालने मेरे कार्ड में। सबसे पहले कार्ड डालना है बीच में, पिन में आपको बता देती हूँ, ठीक है, याद रखना। कैश विड्रॉ करना है, फिर आपको डालनी है अमाउंट, फिर आपको डालना है पिन। पिन देख लो आप, क्या सब पिन है, मेरा पिन नहीं है, धरो लो कर लो कल। क्या था मेरा पिन यार, मोमेंट ऑफ साइलेंस। अब बैंक वाले पूछेंगे किसका कार्ड उठाया था आपने, तो दिखाता लिया नहीं। तो हमने ऑटो किया है, बड़ी मुश्किल से ऑटो मिला, तो अब हम जा रहे हैं सरोजनी मार्केट। सस्ता बड़ी सोचा तो मेट्रो स्टेशन से जाएंगे, पर अंधेरा होने वाला है यार, वीडियो नहीं बनने वाली तक। त्रास जेंटर दे दिया करो यार इनको। पहुंच गए सरोजनी मार्केट, राजू को दिखाऊंगी, राजू खुश हो जाएगी। आर यू हैप्पी, आर यू एक्साइटेड? यस आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। खुश कितनी हो रही है, मोमोज खिला दे भाई। मोमोज कैसा लगा मार्केट? मार्केट तो अभी मैंने देखा ही नहीं, अभी मुझे देखने दे। बड़ा रश है लड़कियां, यार लड़कियां सोच मार्केट आके खुश कितनी हो जाती है यार। यार मैं पहली बार देख रही हूँ ये सब। अच्छा क्या 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 नाइट सूट रिपीट सूट ऑर्डर है। राजी का दिमाग खराब हो चुका है, ये 550 सेल देखकर औरतें ऐसे ही हो जाती हैं। मैं जब पहली बार आई थी तो मेरा रिएक्शन भी यही था, पर मेरे को शॉपिंग करने नहीं आती, सच बताऊँ। मैं कबाड़ उठा के ले जाती हूँ। ये शॉर्ट्स और टॉप, शॉर्ट्स और टॉप कट हैं, ले ले तू। मैं क्या करूँगी यार, अच्छी लगी जब मैं गर्मियों में पहनना, मेरे अच्छी लगेगी। हाँ मैं कुपोषित लगती हूँ ना, लोग बोलते हैं कि आपकी कुकड़ी वाली टांग है, उनको क्या पता कि मेरे को IBS है। और मुक्का मारना उनको। कौन सा कलर अच्छा है? ये ब्लू अच्छा है, और देखना। मेरी बेगम की शॉपिंग न पूरी हुई। हमने कैसा डालनी यार, हमने में मैं भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तू ढूंढ के दे यार, मेरे को बिल्कुल सेंस नहीं है। इज इट ऑफ माय साइज? हां फिर साइज है, साइज क्या? हां कलर कुछ वो नहीं है, कलर मुझे अच्छा लगा भाई। अच्छा है कलर, प्लीज कमेंट करके बताओ ये अच्छा है, मैं वापस आऊंगी लेने। वापस कर लग कर रही है, जस्ट कटिंग यार। अजी तो देख, मेरी बेगम की शॉपिंग ना पूरी, ये सही लगा है। नो बार्गेनिंग, ये बार्गेनिंग नहीं कर सकते तो इतना इतना सेल लगा दिया, और भी बार्गेनिंग ट्राई मत करो। मैं ट्राई नहीं करे, कितने का है भैया टोटल, कितने में? 600 पैसे होंगे ही नहीं, ₹6 एक एक सिक्के चाहिए। एक एक सिक्के हैं सर, 6 सिक्के एक एक ले। सिक्के नहीं चाहिए, कागज का नोट चाहिए। ₹150 देगा भैया, हंस रहे उनका रिएक्शन भी दिखाना है। हफ्ते वाले चैनल भैया भैया सुनो, अपना आप मेरे नोट पकड़ो, ठीक है, फिर मेरे को हफ्ता देना, ठीक है। बोलो 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 मैडम आपका हफ्ता, अरे भैया हफ्ता जाना, चलो भागो। अरे भैया 1000 रुपए हफ्ता निकालो भैया, 5 लाख। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम भैया 1000 रुपए हफ्ता नहीं निकालो ना, बॉडी बना के आओ जी। तो मांगेंगे भैया, मेरे कपड़े खुले डाले, आपको मेरा डोला दिख नहीं रहा, बॉडी जोड़ी बनाई है मैंने। भैया बोलते हैं बॉडी जोड़ी बना के आओ फिर हफ्ता मांगना, ठीक है बात। या फिर feminine that feminine urge to purchase ज्वेलरी, ज्वेलरी पता नहीं यार, that feminine urge feminine मैं बोल देती हूँ।
that feminine urge to buy all the jewelry you see. Good यार, wow यार, ये अंग्रेजी कितनी अच्छी है, हम तो एक ही स्कूल में पढ़े, घर में अनपढ़ और तू इंटेलिजेंट कैसे? You take copy and I take copy and we will learn the lesson. किसी को कुछ नहीं पता चलेगा इसके बारे में, बाद में बताएंगे करते हैं स्कूल यार इस चमड़े की चप्पल से इतनी गंदी मुश्क, भाई आपको मुश्क नहीं आती? इससे स्मेल नहीं, रबड़ रबड़ है ये, भैया इससे स्मेल नहीं आती? ये रबर का स्मेल कहाँ से आ रही? स्मेल नहीं आ रही? अरे रबर का एक अपना वो होता है, आप अच्छे से वीडियो बना लो, मैं अच्छे से बना रही हूँ भैया। हाँ भैया राजी मैं कोई लूँ? कुत्ता नहीं अर्जी सुनता पहले खाने से पहले स्मेल आ रही है ना? स्मेल नहीं है वो, एक रबर की अपनी यार, दैट मैस्कुलिन यार, दैट मैस्कुलिन अर्ज वो हो गया। हां क्या मैस्कुलिन नहीं मैस्कुलिन यार, दैट मैस्कुलिन अर्ज टू मारिंग सिटी व्हेन यू सी अ हॉट लड़की, बहुत ज्यादा लड़की दिखाई जाती है मेरे को लगा मैं सिटी मारूंगी, थप्पड़ मारेगी है ना, थप्पड़ क्यों मारेगी, कमी नहीं यार नहीं मार सकती यार सिटी, पर वो जो होता है चिकनी लड़कियों को देख के सिटी मारने का दिल करता है वो मैं समझ सकती हूं मेरे भाई। अच्छा जी, पहली लड़की है जो समझ सकती है। ये स्कर्ट लेंगे और ऊपर कुछ शर्ट ढूंढेंगे और नीचे पता नहीं बलून बाजू वाली कोई वाइट भैया कितने की लगाओगे? बार्गेनिंग करते हैं पहले देखो वो कैसी है, चीज लाइक हमारी हाइट सेम है, लंबी हो गई सॉरी भैया, ये दोनों दे दो आप, स्कॉट बस बोल दी थी बचपन में शूज स्कॉट शॉर्ट, भैया कितने में? 500 ये बार्गेनिंग करने का तरीका है ताकि अगले बंदे को थोड़ा खौफ ज्यादा हो कि यार मैं तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, भैया कम करो आपको हो तो 10,000 दे देंगे, 10,000 दोगे आप बोलो, हाँ सुनो इतना से इतना आप ऐसे डालोगे आएगी नहीं भैया, आ जाएगी आप 10,000 निकालो, 10,000 निकालो आप इतने लागे दो मैं पहन के दिखा दूंगी, इतनी कमर लागे दो पहन के दिखाऊंगी, आई बी एस है मेरे को कुछ, राजी ने अपने लिए टॉप वगैरह लिए लेकिन भैया पोज मार रहे हैं। दुकान नंबर क्या है? 4 नंबर है, यहाँ पे अगर आपको पार्टी शार्टी वाले कपड़े लेने ना ऐसे चमकदार तो आप ले सकते हो, ये जबरदस्ती दे रहे डिस्को पार्टी, भैया पैसे तो आपने काटे नहीं प्रमोशन करा रहे हो आप, पता है कितने सब्सक्राइबर है मेरे? 8.5 लाख। हाँ चलो दुकान तो अपनी आधी, प्रॉफिट 200 ले लो तो। नहीं नहीं भैया चाहिए नहीं, नहीं भैया कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए यार। लाई तो मैं राजू को थी शॉपिंग के लिए, किसको दिमाग है, लेकिन ये भी मैंने खुद चुनी और वो जो स्कर्ट थी वो भी मैंने खुद चुनी, राजू मैं समझदार हूँ ना यार, सारा कुछ तूने खुद ही चूज किया, फिर बस बार्गेनिंग करने का बड़ा सही तरीका, मतलब मेरा उसका इन्वेंट किया मैंने कि अंकल बोले कि 250 का, मैं बोलूंगी 250 का जितना लंबा करोगे ना उतना आपका बंदा डर जाएगा, भैया आपने सुना तो नहीं, सब सुन लिए जैसे वो दिखा सुना मैंने, हो मेरी चाल बदल गई, भैया कितने का जी कितने गए? 250 भैया 300 के कर फेंको यार नहीं चाहिए ओए पागल, और कपड़े को इतनी दूर फेंक दो कि हमको चाहिए ही नहीं हमको, हाँ फिर वो बंदा उठा के आपको दुकान से बाहर कर भैया ये वाले कितने के? अच्छा ये मतलब ये इस मार्केट का ये सीन है जैसे वो स्टॉल्स नहीं लगे होते वो वाला सीन, यहाँ पे काम नहीं करा मेरा, साथ में चश्मा भी देख लेते हैं, हाँ राजू भाई राजू भाई, राजू भाई फ्रॉम हेरा फेरी, अरे वो मीम आती है ना इंस्टाग्राम पे साउथ दिल्ली की लड़कियां बोलती हैं भाया, तो वो लड़की मैंने आज फाइनली देख ली, भाया गोला है क्या? ओह माय गॉड भाया गिव मी अ ब्रेक, भाया 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 ओके, तो हमने देखा ये कमाल का व्लॉग था, देखो ना यार ये एक नेचुरल व्लॉग था लेकिन इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपको आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ ही जाएगी, तो ये बंदी काफ़ी सीधी है मैं ये कहूँगा, बहुत सीधी है और मतलब आई डोंट नो, मुझे यहाँ से बैठ के लगा कि शॉपकीपर का जो टच था वो जस्टिफाइड नहीं था, ये शायद इनकी दोस्त ने भी ये फील किया हो,
और इस वजह से उन्होंने एक दो बार मैंने नोट किया कि हाथ शॉपकीपर का पकड़ के साइड पे किया है, और इवन कि ये तक भी कहा कि चल तू बाहर चल, कुछ नहीं लेना यहाँ से। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद ये बहुत सीधी है, इसे नहीं पता लगता कि मतलब लोग क्या कर रहे हैं, है ना? आपका क्या ख्याल है? मुझे लगा ऐसे यार, आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हुआ देख के वीडियो को। और मार्केट हमने देखा, मार्केट अच्छा है यार, हर चीज़ ऑलमोस्ट फैशन की अवेलेबल है और अच्छे थे कपड़े, नॉमिनल प्राइसेस थी, और इस वजह से शायद फेमस है। ठीक है कि जो ब्रांड पे जाके आपको चीज़ मिलती है 5,000 की, वो यहाँ आपको मिल जाएगी 500 की, तो इस वजह से लोग प्रेफर भी करते हैं क्योंकि रश बहुत था भाई। लेकिन वही बात है कि आप जाएंगे, आपको स्टॉल्स पे थे वो चूज़ करना पड़ेगा, कहीं पे बारगेनिंग है कहीं पे नहीं है। तो अगर आप बहुत ही, आप कहते हैं चिल करने वाले इंसान हैं और कहते हैं कि बस लो और पैसे दो, तो भी कर सकते हैं शॉपिंग, अगर शशके करने हैं तो भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक अच्छा वीडियो था, पसंद आया, फन एलिमेंट था, सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई, और यही खास बात है इनके व्लॉग्स की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नई नई चीज़ें सजेस्ट कीजिएगा। सी यू गाइस।